अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं गुलाब की कलम लगाने वाला हूँ। मैंने अभी यहाँ से निकाली है, इधर से काटी है ये, तो देखते हैं ये ग्रोथ करती है या नहीं, क्योंकि अगस्त का महीना है, शायद ये ग्रोथ कर जाए। कलम लगाने का ये महीना है, तो मैंने इसको तिरछा काट लिया है नीचे से। ये थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा है, थोड़ा फोकस करने दूँ मैं। फिर ऐसे बता देता हूँ, जो ये जहाँ से पत्ता ग्रोथ करता है, ये जो पत्ता निकलता है, यहाँ से मैंने इसको काटा है तिरछा। आप देख सकते हैं यहाँ से एक जो पत्ता था वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो इधर से रूटिंग शुरू होती है। अगर हम यहाँ से काट देंगे इसको, ये हिस्सा, ये देखें अब नज़र आया, आप देख सकते हैं, अगर ये हिस्सा हम काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, ये हिस्सा लगाएंगे ऊपर वाला, तो जड़ निकलने के जो चांसेस है वो बहुत कम होंगे। तो जड़ें बहुत कम निकलेंगी, यानी कि रूटिंग बहुत कम होती है। बाज़ दफ़ा जो हमारी कलम है वो जल भी जाती है, तो इधर से जो रिज़ल्ट मिलता है वो तकरीबन अच्छा मिलता है। तो इधर से ही हमेशा लगानी चाहिए कलम, जो भी कलम लगाएं हमेशा आप जहाँ से पत्ता निकलता है उस जगह से आप उसको तिरछा काट के उस जगह से आप लगाएँ। तो ये छोटी सी कलम है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो देखते हैं ये ग्रो करती है। यानी मैं इसके अंदर यहाँ पर इधर अंदर लगा दूँगा, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसका। ये बिल्कुल सादा मिट्टी है, इसके अंदर जो बासिल का पौधा है वो भी उग रहा है, ये देखें बासिल है ये। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ लगा दूंगा, बस इतना ही मैं अंदर डालूंगा, क्योंकि जो ऊपर से शूट निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है या नहीं मिलता। मेरे साथ तो ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि जो ये जो ग्रोथ करी थी झुमका बेल छोटी सी कलम, तो शायद ये भी ग्रोथ कर जाए। तो एक्सपेरिमेंट हमें करते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के काम करेंगे तो वो काम ख़राब होगा। मैं बिल्कुल बेपर होकर काम करता हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है, तो डर के काम मत किया करें हमेशा, यानी कि अपने आप को बेपरवाह होकर काम करा करें, कोई भी काम करें। मैं जब पौधे कटिंग करता हूँ ऊपर से, तो मुझे दुख तो होता है कि अफसोस होता है कि ना अच्छा खासा पौधा, यानी कि मैंने काट दिया तो ऊँचा जा रहा था, ऊँची था, लेकिन ज़रूरी होता है काटना, क्योंकि जब पौधा लेवल में ना आए तो उसको लेवल में लाने के लिए तो कटिंग करनी पड़ती है ज़रूर। अगर हम जिस तरह ये जा रहा है, अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे यहाँ से, जैसा कि अब मैं यहाँ से इसकी जो ये है यहाँ से अगर तोड़ दूँ, तो ये इसकी जो साइड ब्रांचेस है वो ज़्यादा निकलेंगी, ये बुशी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर से नहीं तोड़ता हूँ, तो ये इसे लंबा होता चला जाएगा ऊपर तक, तो बुशी नहीं बनेगा या इसके साइड ब्रांचेस ज़्यादा नहीं निकलेंगी, तो वो शेप भी अच्छा नहीं लगता पौधे का, और अजीब सा, यानी कि लंबा सा पौधा अजीब ही लगता है। तो शेप देने के लिए पौधे की प्रूनिंग ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। अगर यहाँ तक पौधा बड़ा हो गया है तो हम उसको यहाँ से पिंच करते हैं, यानी कि तोड़ दें यहाँ से, तो यानी कि उसकी जो साइड ब्रांचेज है वो ज़्यादा निकलेंगी और वो पौधा बुशी हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं पौधे की, हर पौधे की कटिंग ज़रूरी होती है, गुलाब की भी ज़रूरी होती है, इसकी भी ज़रूरी होती है, झुमका बेल की, इसकी भी ज़रूरी होती है, और जितने ये पौधे हैं इनकी सबकी ज़रूरी होती है। मैं इसकी भी गुलाब की जो है कटिंग करता रहता हूँ, इसमें फूल भी लगे हुए हैं, देखें काफ़ी बड़े साइज का फूल लगा हुआ है इसके अंदर, तीन फूल लगे हुए इसमें। तो अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है जो हमने कलम लगाई है, उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट मिले, तो देखते हैं आगे। तो बस ये मेरा आज का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।